हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा फॉर यू में। दोस्तों, अक्सर आप जुड़वा बच्चों के बारे में सुनते होंगे। कई लोगों में जुड़वा बच्चों की चाह भी होती है। इसके साथ ही लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि आखिर जुड़वा बच्चे क्यों और कब होते हैं। जुड़वा बच्चे पैदा होने के पीछे कई मिथक भी हैं, वहीं इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जुड़वा बच्चों को लेकर और भी कई कौतूहल लोगों के मन में बना रहता है। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों और कब पैदा होते हैं जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक दूसरे से अलग दिखने वाले डायजैग्नोटिक। दूसरा होते हैं मोनोजैग्नोटिक, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। डायजैग्नोटिक जुड़वा बच्चे तब बनते हैं जब दो अलग अलग स्पर्म दो एग्स को फर्टिलाइज करते हैं और दो अलग दिखने वाले बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों की अनुवांशिक संरचना अलग होते हैं। जबकि मोनोजैग्नोटिक जुड़वा बच्चों का निर्माण तब होता है जब एक एग से किसी स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन दो एम्ब्रियो निर्माण होती हैं। इस तरह जन्म लेने वाले बच्चे जुड़वा बच्चों की अनुवांशिक संरचना एक जैसी होती है। ऐसा होने के बहुत से रीजन होते हैं। कुछ रीजन होते हैं अनुवांशिक, जेनेटिक्स कारण। यदि आपके परिवार में पहले भी जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके हैं तो काफ़ी संभावना है कि आपको भी जुड़वा बच्चे होंगे। अगर आप अपने भाई बहन के जुड़वा हैं तो भी जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ऐसी संभावना माता और उसके परिवार पर ही निर्भर करती है। ऊंचाई व वजन। ऊंचाई व वजन भी कई बार जुड़वा बच्चों के होने का कारण बनते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका BMI 30 या उससे ज़्यादा हो, उसमें जुड़वा बच्चों को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा ऊंची महिलाएं भी जुड़वा बच्चों को अधिक जन्म देती हैं। तो दोस्तों, इन सभी कारणों से जुड़वा बच्चे होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।